स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 सीबीएसई का लेसन 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन करूंगा। इस लेसन के तीन पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा और इसके राइटर हैं लूसियो रॉड्रिग्स। इसके पहले कि आप वीडियो में लीन हो जाएं, पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अच्छी ना लगे डिसलाइक करें। आप वीडियो में क्या कुछ चाहते हैं या चैनल पर कैसे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये लेसन लिया गया है फर्स्ट फ्लाइट बुक से, ए बेकर फ्रॉम गोवा, रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डे, पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। पोर्टुगीज के उन अच्छे दिनों और उनकी प्रसिद्ध पावरोटियों के बारे में हमारे बुजुर्गों के द्वारा बड़े चाव से सुना जाता है या उनके द्वारा कहा जाता है। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर आर स्टिल देयर। वे पावरोटी को पसंद करने वाले, चाहने वाले भले ही गायब हो गए हों, लेकिन उन पावरोटियों को बनाने वाले अभी भी हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर, द मोल्डर एंड दोज हु बेक एंड लव्स बेक एंड बेक द लोव्स। हम भी उन्हीं में से हैं और जो पारोटियाँ बनाया करते हैं उनमें से, पारोटियों में जो मिक्सिंग का काम करते हैं, जो उसके कंपोनेंट को मिक्स करते हैं बनाने वाले कंपोनेंट को, वे हैं मोल्डर्स, जो पारोटियों को आकार प्रकार देते हैं, और वे जो पारोटियों को सेकते हैं, ये सभी हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्निसेस स्टिल एग्जिस्ट। उन दिनों की या उन पुराने समय की कसौटी पर खरा उतरने वाली भट्टियाँ आज भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैड नॉट एट बीन एक्सटेंगिस्ट। और उन भट्टियों में जो आग है वो अभी भी बुझी नहीं है, मतलब भट्टियाँ अभी भी जलती हैं और रोटियाँ अभी भी सेकी जाती हैं। द थर्ड एंड जिंगल्स ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। बेकर्स की बम्बुओं की परंपरागत ठक ठक की आवाज जो उनके आने का संकेत देती हैं, सुबह सुबह उनके आने की घोषणा करती हैं सुबह सुबह, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। इन आवाज़ों को अभी भी कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। यह हो सकता है कि पिता अब जीवित न हो लेकिन पुत्र अभी भी अपने परिवार के पेशे को जारी रखा है। दीज बेकर्स आर इवन टूडे नन एज पैडर इन गोवा। इन बेकर्स को, इन नानबाई को आज हम गोवा में पैडर्स के नाम से जानते हैं। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. हमारे बचपन के समय में गोवा में ये जो नानबाई या बेकर थे वे हमारे मित्र हुआ करते थे, हमारे साथी हुआ करते थे और हमारे निर्देशक हुआ करते थे।
He used to come at least twice a day. वे दिन में कम से कम दो बार आते थे. Once when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket. एक बार जब वे सुबह सुबह अपने सामान को अपने परोटियों को बेचने के लिए आते थे और दोबारा शाम को लौटते समय आते थे जब वे अपनी बड़ी टोकरियों को खाली कर चुके होते थे, मतलब सब कुछ बेच चुके होते थे. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम. उनके बम्बू की जो खटखट की आवाज़ होती थी वे हमें उठाती थी, सोने से उठाती थी, और हम भागते हुए जाते थे, उनसे मिलते थे और उनका स्वागत करते थे. वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों होता था. वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या यह पावरोटियों के प्रति प्यार था. नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं. द लव्स वेयर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टेन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. ये जो पावरोटियाँ थी उन्हें तो पास्किन या फिर बास्टिन के द्वारा खरीदा जाता था, जो हमारे घर की मेड सर्वेंट या नौकरानियाँ थीं. व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुल्ली. हम चाहते थे उन ब्रेड बैंगल्स को बहुत ही ध्यान से चुनना. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी ये जो परोटियाँ होती थीं या ब्रेड बैंगल्स होते थे कुछ विशेष तरीके से मीठी वाली बनाई जाती थी. द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ. और जो नान भाई या बेकर होते थे उनका जो आना होता था वो काफ़ी संगीतमय हुआ करता था, संगीतमय दृश्य होता था, और जो ध्वनि या संगीत उत्पन्न होती थी उनके बम्बू के द्वारा मनाई जाती थी, उत्पन्न की जाती थी, जिससे झंग झंग की आवाज़ आती थी. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड. नानबाई एक हाथ से अपने सिर पे टोकरियों को संभालते थे और दूसरे हाथ से बम्बू को जमीन पर पटकते थे और आवाज़ उत्पन्न करते थे. वी शुड ग्रीट द लेडी, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू. वह घर की जो गृहिणी हुआ करती थी उनको गुड मॉर्निंग कहते थे और फिर अपने खड़े बांस पर, वर्टिकल बम्बू पर, अपनी टोकरियों को रख देते थे. वी किड्स वुड बी पुश्ड एसाइड विथ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोफ्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट. हम बच्चों को हल्का सा डांट कर किनारे लगा दिया जाता था और पावरोटियों को नौकरों में बांट दिया जाता था. बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम कहाँ छोड़ने वाले थे. वी वुड क्लाइंब ए बेंच आर पैरापेट एंड पीप इन टू द बास्केट. हम या तो किसी बेंच पे चढ़ जाते थे या फिर मुड़ेर से झांकते थे टोकरियों में. समहाउ किसी भी तरह से आई कैन स्टिल रिकॉर्ड द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लव्स. मैं उन परोटियों के विशेष सुगंध को अभी भी महसूस करता हूँ, याद करता हूँ. लोव्स फॉर द एल्डर एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. जो परोटियाँ थीं ये बड़े लोगों के लिए होती थीं और जो बैंगल्स होते थे ब्रेड बैंगल्स ये बच्चों के लिए हुआ करते थे. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली. तब हम अपने दांतों को ब्रश करने का ध्यान नहीं देते थे या अपने मुंह को ठीक से धोने पर भी ध्यान नहीं देते थे. एंड वाई शुड वी, और हम ऐसा क्यों करें. हु वुड टेक द ट्रबल
who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? अब कौन यह कष्ट सहने जाए कि आम की पत्तियों को तोड़े और फिर दांतों को ब्रश करे? एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल? और फिर ये इसकी आवश्यकता ही क्या है? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, बाघ कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, गरम गरम चाय खुद ही सब कुछ अच्छी तरीके से साफ कर देगी। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नन एज द बॉल, जस्ट एज ए पार्टी आर ए फीस्ट लूजेज इट्स चार विदाउट ब्रेड, वैवाहिक उपहार अर्थहीन हुआ करते थे बिना इन मीठे ब्रेड के, जिन्हें हम बोल के नाम से जानते थे। जस्ट एज ए पार्टी आर ए फीस्ट लूजेज इट्स चार विदाउट ब्रेड, ठीक वैसे ही जैसे पार्टी एक समारोह एक भोज अपने आकर्षण को खो देता है बिना इन ब्रेड्स के। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, अब यह कहना बहुत महत्वपूर्ण। नॉट एनफ कैन बी सेड, यह ठीक से नहीं कहा जा सकता कि ये जो नानबाई थे ये गांव वालों के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, मतलब ये अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, और जो घर की गृहिणी हुआ करती थी वे अपनी बेटी के एंगेजमेंट पर सैंडविचेज बनाया करती थी। केक्स एंड बोलिनिया आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, केक और बोलिनिया क्रिसमस पर या दूसरे त्योहारों पर अनिवार्य रूप से बनते थे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, और इस प्रकार से इन नानबाई की भट्टियाँ गांव में अत्यंत आवश्यक थी। द बेकर्स आर ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस नन एज कवाई, नान भाई या बेकर जो थे या ब्रेड सेलर थे, ब्रेड के जो विक्रेता थे, उन दिनों एक विशेष प्रकार की अजीब सी पोशाक रखते थे, या उनकी पोशाक थोड़ा अजीब तरह की होती थी जिसे कवाई कहा जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, यह सिंगल पीस होती थी और काफ़ी लंबी होती थी फ्रॉक जैसी और घुटनों के नीचे तक पहुँचती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वीरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर विच वेयर शॉर्टर दैन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट, अपने बचपन के दिनों में हम बेकर्स को देखा करते थे कि वे शर्ट और ट्राउजर पहना करते थे विच वेयर शॉर्टर दैन फुल लेंथ, जो पूरी लंबाई से छोटे होते थे और इनकी जो लंबाई थी वो हाफ पैंट से अधिक होती थी। इवन टूडे एनी वन हु वियर्स ए हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, और आज यदि कोई ऐसा हाफ पैंट पहनता है जो उसके घुटनों के नीचे तक पहुंचता है तो उसे निश्चित रूप से कमेंट दिया जाता है कि यह तो पेडर जैसा है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, और ये जो नान भाई या बेकर हुआ करते थे वे अपना बिल महीने के अंत में लिया करते थे। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड एट सम वॉल इन पेंसिल, जो महीने भर का लेखा जोखा होता था उन्हें पेंसिल के द्वारा कुछ दीवारों पर लिख लिया जाता था या नोट कर लिया जाता था। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज
ये बेकिंग का जो कार्य था, रोटी बनाने का जो कार्य था, उन पुराने दिनों में बहुत ही फायदे का धंधा था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर ननभाई और उसके परिवार वाले कभी भी भूखा नहीं रहते थे, मतलब अच्छी खासी आय होती थी। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस। वे उनके परिवार के लोग और उनके सर्वेंट उनके नौकर भी हमेशा ही प्रसन्न दिखते थे और खुशहाल दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक्स वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। उनका जो मोटा ताज़ा शरीर था, इसका जीता जागता प्रमाण था। इवन टूडे एनी पर्सन विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजली कंपेयर टू ए बेकर। और आज भी यदि कोई व्यक्ति जैकफ्रूट जैसा हो, जैकफ्रूट मतलब कटहल जैसा हो, कटहल काफ़ी मोटा ताज़ा फल होता है, तो उसकी तुलना हम आसानी से बेकर से या नान भाई से करते हैं।